बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि मोडी कमाद को पानी कब लगाया जाए। देखें, कमाद को एक महीना पहले भी काटा गया, 2 महीने पहले भी काटा गया और 10 दिन पहले भी काटा गया है। याद रखें कि जिनकी खोरी पड़ी हुई है, या तो इसको जला दें या इसको बाहर निकाल कर रख दें। इसके बाद पहले तो स्टबल शेवर चलाएं। लेकिन स्टबल शेवर के बगैर मैं नहीं कह सकता कि बगैर स्टबल शेवर चलाए जो है ना, मोडी फसल जो है वो अच्छी हो सकती है। मोडी फसल तो लवेरी जैसी हो जाती है इससे, बल्कि जब ये स्टबल शेवर या हल्का सा किसी तरीके से बड़े तेज रफ्तारी के साथ जो है ना रोटावेटर भी चलाया जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल सुपरफिशियल होना चाहिए, ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, वो मोड भी उखाड़ देता है। वो तो कांग्यारी जो है बाद खेतों में ज्यादा होती है, तो आप स्टबल शेवर चला के देखें, उसकी उसकी मिकदार को भी कम कर देती है। जिस जगह पर स्टबल शेवर चल जाता है वहां पे कांगारी का अटैक उतना नहीं होता, वो तो लवेरे जैसी हो जाती है फसल। तो करना क्या है, जब हमने स्टबल शेवर चला लेना है, उसके बाद मिट्टी को हफ्ते 10 दिन तक खुश्क होने देना है, उसके बाद पानी लगाना है। तो पानी लगाने से पहले बेहतर ये है कि पानी के साथ जो है एक बोरी DAP फ्लड कर दी जाए या 2 बोरी नाइट्रोफास छटा करके फिर पानी लगाया जाए। तो ये जरूरी बात थी कि ऐसे ही पानी लगाने का जो है ना कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डेवलप करें, वो मिट्टी साफ जा रहे, या तो रोटावेटर चले या स्पेशल स्टबल शेवर जो होते हैं वो चला के कमाद की कोई 1 इंच 1.5 इंच गहराई से इसको कमाद के मुड जो है ना उनको काटा जाए, तो फिर इसकी फोट जो है ना बेहतर होती है।